मेरा नाम वैष्णवी है। मैं मेरा मायका राजेंद्र नगर का है और इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं सलानी पे रह रही हूँ। लड़ाई तो काफ़ी टाइम से घर में चल रही है प्रॉपर्टी को लेकर। मैंने अपने हस्बैंड से लव मैरिज की है। मेरे हस्बैंड मुस्लिम है, मैं हिंदू। तो जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरे हस्बैंड तो मुझे किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करते। मैं किस तरीके से रहूँ, क्या खाऊँ, कैसे रहूँ, क्या कपड़े पहनूँ, जॉब करूँ नहीं करूँ, मैं उसके बाद भी शॉप पे बैठती हूँ, बाहर जाती हूँ तो मुझे रोका टोकी होती है। मेरे जेठ दोनों, सरफराज और इरशाद, दोनों मुझसे मारा पीटी करते हैं, मुझसे बदतमीज़ी दिखाते हैं, तक कि गाली गलौज भी करते हैं। मेरी तीनों नंदे, वो जब देखो तब मेरे दरवाजे पे मीट डाल रही हैं, कभी कुछ भी हड्डी डाल रही हैं। मैं तो इन सब चीज़ों को जानती नहीं। आप मांस वगैरह ये सब मांसाहारी? मैं नहीं खाती हूँ। वेजिटेरियन? जी, प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं जी। सब हड्डियाँ वगैरह डाल देती हैं। देखिए, मैं तो इन सब चीज़ों को जानती नहीं हूँ, ना इन सब चीज़ों को समझती हूँ, ना हाथ लगाती हूँ। अब किचन भी घर में एक ही है, मैं जाऊँगी ऑब्वियसली बात है उस किचन में, तो उस किचन में मेरे सामने ला के गोश्त रख देंगी, खा। अभी ये जो आपके ऊपर जो से हमला हुआ है, किस चीज़ में होता है? ये 29 जनवरी को मैं किचन में जा रही थी, जब तब सब लोग मेरे कमरे में बैठे हुए थे। मैं किचन में जब जाके वहाँ से वापस आ रही थी, तो जो मेरी छोटी वाली सबसे नंद है, वो चाकू लेकर आई, उसने मेरे गले पे सीधे वार किया और मुझसे कह रही है, अब तुझे पूरा गला काट दूँगी तेरा, इतना रह गया था पिछली बार, अब तो तू आ जा, तेरा पूरा गला काट दूँगी। क्या नाम है उनका? आसमा उर्फ चंदू डॉन। कहाँ रहती हैं? घर में ही मौजूदा टाइम पे रह रही हैं इस समय। अभी आपने किसी से शिकायत की? मैंने थाना बारादरी में शिकायत की थी इन सभी की, उसमें उल्टा उन्होंने मेरा चालान करके 151 में मुझे जेल भेज दिया, और उस पर भी अभी भी आज भी मौजूदा टाइम पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने लिखित में बयान दिए उन्हें, हर चीज़, यहाँ तक कि मैं DGP सर के यहाँ लखनऊ वहाँ तक की होके आई, SSP सर से मैंने कितनी ही बार शिकायत देंगी, रोज़ थाना बारादरी के चक्कर लगाती हूँ, लेकिन अभी तक उसमें कोई मौजूदा कार्रवाई नहीं हुई है।